तो आपको वो ट्रिक पसंद आई और समझ में भी आई। देखो जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है टॉर्क का। कभी भी बैलेंस फोर्सेस किसी भी बॉडी पे लगती हैं विदाउट शेयरिंग द सेम लॉ ऑफ एक्शन, तब वहां पर वो कपल बनता है और कपल किसी भी बॉडी पे टॉर्क लगाता है जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब वी कैन से दैट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी इज जीरो। नहीं सुन रहे? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, इस मार्कर के साथ ही एक्टिविटी कर लेते हैं। तो इस मार्कर को देखो, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं और वे बैलेंस हो गया, यानी कि इस पोर्शन का जो वेट है जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और उस पोर्शन का जो वेट है जो कि नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर चुके हैं। यानी कि इस टाइम पे इसका नेट टॉर्क और ये वो आपको देखो रेस्ट पे नजर आ रहा है और इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी मिनिमम है। तो अब इसे देखिए, जरा से मैं अनबैलेंस कर दूंगा तो ये गिरना शुरू कर देगा, ये रोटेट हो गया। अब इसमें वो कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है डायग्राम में देखते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए तीन मैचस्टिक यूज की है, ये जो टेबल पे रखी हुई थी, ये जो वर्टिकल थी और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के बीच में फंसा रखी थी, ये आपका बॉटल है। देखिए बॉटल का तो अपना वेट होता है जो कि mg है, हम उसे नीचे की डायरेक्शन में दिखाते हैं। अब इसको भी कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो जैसे ही इस बॉटल का वेट लगता है तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है। टेंशन इसमें इस तरफ होगा, टी से दिखाते हैं और यहां पर भी टी से दिखाया है। अब ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल यानी कि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये भी आपका थीटा ही एंगल बना रहा होगा। रिजॉल्व करने के बाद ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा आता है और ऊपर एक और कंपोनेंट चला जाएगा जिसे हम टी साइन थीटा कहते हैं। सिमिलरली इस टेंशन को भी रिजॉल्व करेंगे तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला एक और टी साइन थीटा आ जाएगा। नाउ आई कैन सी कि ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा बैलेंस हो रहे हैं, तो कोई हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट में मूवमेंट नहीं होगा। ये टू टी साइन थीटा इस एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो यानी कि वर्टिकल में भी कोई मोशन नहीं होगा। अब यहां पर आपके पास जो टॉर्क लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? एक देखो ये टेंशन है जो कि इसको इस तरह फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो टेंशन है वो इसको इस तरह फोर्स लगा रहा है, यानी कि वो इस मैस्टिक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है और ये वाली फोर्स उसे क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं कर रहे, इसका मतलब यहां पर जो नेट टॉर्क लग रहा है इस सिस्टम में वो जीरो है। तो अगर आप इसको जरा सा, ये जो वर्टिकल मैस्टिक है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट में डिस्प्लेस कर देंगे तो आपका जो ये टॉर्क होगा वहां पे नॉन जीरो हो जाएगा, उसी टाइम पे ये रोटेट करना शुरू कर देगी और जैसे ही रोटेट करेगी उस टाइम पे सिस्टम आपका गिर जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो टॉर्क का है, नेट टॉर्क जब जीरो हो जाएगा तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। एंड साइड बाय साइड वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में होगी और एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। अगर आप कोई और एक्सप्लेनेशन, कोई और रीजन देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्टिविटी के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।